थकान तो अभी तक नहीं निकली, मतलब सुबह जब उठी हूँ पाँव में टांगों में इतना दर्द इतना डांस किया, एंड सब मेरी हालत ऐसे नहीं थी, मेरे भाई सबकी जिससे बात हुई है सेम हालत, मतलब तसल्ली से डांस किया हमने राहुल भाई की शादी में। सो यार, सो हम आए अभी मार्केट नेक्स्ट डे, एंड मार्केट में हमें कुछ करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, और वो काम जो है जैसे आपने देखा मैं पहले अभी केक शॉप पे गई, छोटा शॉप पे गई, फ्लावर शॉप पे गई, तो कुछ तो चल रहा है। इट्स अ स्पेशल डे एक्चुअली, कल मामा पापा की 30th एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, सो मैं यहीं हूँ, बल्कि मुझे जाना था, आई थॉट नहीं आई विल स्टे हियर ओनली, तो बना दी इसको थोड़ा सा स्पेशल, तो मैंने थोड़ा सा प्रेप कर लिया, और तब तक मुझे कॉल आया है भैया का मेरे, वो लोग निकल रहे हैं नहाने के लिए, और मुझे प्रियांशु से मिलना था लास्ट बार, मैं उसे मिल नहीं पाई घर पे भी अच्छे से, सो आई थिंक उनको कहीं कॉमन जगह पे बुला लेते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं उन लोगों से। प्रियांशु बाल नहीं कटवाएगी ना? किसने किया मना? क्या बोला प्राची बुई ने कि कटवाने नहीं है? नहीं, बाल नहीं काटने। बाल नहीं काटने। क्या खाएगा प्रियांशु? कुछ भी नहीं। तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुझ भी शी हाँ मेरा बच्चा खाएगा टीटी जाट। टीटी जाट प्रियांशी, मिर्ची लग रही है? मिर्ची लग रही है, ये ले मिर्ची लग रही है, फिर भी देखो रसमलाई का आया मजा। ले 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 ले, ये वाला ले ले, देखो 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 जरा इसको। कैसा है प्रियांशी? कैसा है? वाओ, कर लेना, चटोरी है भाई ये, बस रे ओ भाई। खाली अब क्या खाएगी? नींबू खाएगी? आ कर फिर। और खाएगी? मिलना नहीं पड़ता, ऐसे चटवाना पड़ता है। यार ये कैसा बच्चा है? मना भी नहीं कर रहे भाई, तो कैसा बच्चा है? और अरे नियम मुझे ले तू पढ़ना, काट दे भाई। मजा आया वही देख कैसे हम लोग पहन ले भाई, क्या ही वो तो भाभी आपने क्या खाया था? रिंचू वो ही तो खिला बेटा, मैंने खट्टा ही खाया था सबसे ज्यादा। तेरे को आ रहा है मंजा मंजा? और खिला दे बेटा वही तो। लव यू, आई लव यू, लव यू टू। प्रियांशु मेरे को मिन्नी की याद दिला रही है, मिन्नी होती थी ऐसे सब कच्चा प्याज टमाटर नींबू सब चर्बी खाती थी वो मिन्नी। हाँ बस इसका सिर्फ अभी वेज तक सीमित है, नॉन वेज में जाएंगे भी नहीं। तू क्या घूम रहा है मेरे लिए? थैंक यू। आपको दिखाती हूँ मैंने किसको पकड़ा है अभी, और ये पकड़े गए हैं कुछ लोग, पोंटा आए हैं बिना बताए, और ये आज हमारे घर रुकेंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे, और अगर नहीं रुके ना तो इनकी होगी क्या होगी? पिट्टी पिट्टी पिट्टी। सो अभी जिनको व्लॉग में देखा था वो थी मेरी नानू नानी, वो आए थे नहान से कुछ काम से, अभी हम जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं वापस घर, बिकॉज हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा स्ट्रेस ये हो रहा है, हम लोग घर से निकले थे 4 बजे, तब से दौड़ा भागी ये काम वो काम, फिर अब बज गए हैं 8, अब 8 बज चुके हैं, और लग रहा है अब घर जाके मम्मी बोले कि कहाँ थे इतनी देर से, क्योंकि हम निकले थे पीओ का काम करने, लाइक कि पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं मम्मा, कुछ काम है ये है वो है। बाय द वे आई गॉट द फ्रेम, मैं फ्रेम मेरा एटलीस्ट रेडी हो गया है, केक हमें कल ही मिलेगा, फ्लावर्स मैंने ले लिया है, और जिनके लिए गिफ्ट लेना था वो भी ले लिया ज्वेलरी शॉप से, पता नहीं उन्हें कैसे पसंद आएगा नहीं आएगा, लेट्स सी।
के हिसाब से मैं कल सुबह जा रही हूँ, बाय द वे कल सुबह लड़की जा रही है तो मेरी मम्मी को स्ट्रेस हो रहा है, अरे ये पैक कर लेती हूँ, घी रख ले, ये रख ले, वो रख ले, हमें रुक जाओ यार। घर पहुँचते हैं गाइस, मैं घर पहुंच गई हूँ और घर पहुंचते ही मेरे पापा ने जो मुझे सबसे पहली चीज़ बोली है वो ये है, तुम लोग खाना खाओ, उसके बाद मुझे तुम्हारे 10 से 15 मिनट चाहिए, आके मेरे पास बैठो खाना खा के, सब जाने घर के। जब चौहान साहब ने क्या बात करनी है, डर भी लग रहा है, खाना भी नहीं निकलेगा अब तो, ये बात बोल दी पापा ने, अब तो ऐसा लग रहा है क्या क्या बात करनी है पापा, बहुत सीरियसली ऐसे इतना सीरियस फेस बनाया पापा ने, आई वाज लाइक तुम सब जने खाना खा के मेरे पास बैठो 10 से 15 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है, देखते हैं कितना खाना खाया जाएगा कितना नहीं। तो हमारा 10-15 मिनट वाला मीटिंग पापा के साथ ख़त्म हो गया है, इट स्टार्टेड विद 9 PM एंड अभी 12 बजने वाला, इतना लंबा मीटिंग गया मुझे लगा पता नहीं क्या सीरियस बातें होंगी, बट ही जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड सम गुड टाइम विद अस एंड वो हम वैसे भी करते ही हैं डेली, बट वो इन डेप्थ कन्वर्सेशंस जो होती हैं तो थोड़ा इन डेप्थ कन्वर्सेशन हो रही थी, विच वॉज चिल मोड। अभी मेरा और रंजू का डिस्कशन ये हो रहा है कि करना क्या है, 12 बज गए हैं, लेट्स नॉट विश देम, उनके हिसाब से मैं निकल रही हूँ सुबह, ठीक है, वापस गुड़गांव के लिए, क्या करना है बता, सुबह दीप बेकर्स नहीं खुलता हुआ इतनी जल्दी, एक काम करते हैं तू माला देंगे, वो माला और नहीं पापा चले जाएंगे तब तक। बात यह है अगर मैं सुबह बोलूँ कि मैं जा रही हूँ ना तो मुझे रेडी होना पड़ेगा सुबह सुबह, जब कहीं जाना नहीं होता तो रेडी होने में आफत आती है, मैं नहीं कर सकती क्या है। तो तू ये बोल रहा है कि हम अभी जाएं विश करने 12 बजे, यार सो गए अभी तो सोए हो, गहरी नींद होएंगे क्या करना चाहिए बता। अरे 13 मिनट बचे हैं यार, कितनी गहरी नींद हो रही है, पर अब क्या चाहते हो आप, आप नहीं चाहती हो कि कुछ नहीं करें, अभी भी विश नहीं करें, कल सुबह भी विश नहीं कराएं, और फिर अब नहीं जाना पड़ेगा आपको। अरे नहीं करनी विश, फिर मैं गुड़गांव बोलूंगी मैं जा रही हूँ, तू मेरे को ड्रॉप करेगा और हम फिर वापस आएंगे, सरप्राइज। उस टाइम क्या केक तो तब भी नहीं आएगा सुबह सुबह, केक तो शाम को आएगा ना, वैसे भी सब लोग भी होंगे, भाई भाई जी भाभी, अगर हम सुबह करते हैं उनको ठीक कट करेंगे, अगर मैं बोलेंगे तो तुम्हारा शक सब सुन रहा हूँ, अरे नहीं कुछ नहीं सुन रहा होगा, आई एम श्योर नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि दोनों सो चुके हैं, अभी जाना है फिर फ्रेम ही खींचने, फ्रेम दिखाऊं तेरे को, रुको दिखाती हूं, तो ये रही फ्रेम इज ऑल सेट। हां इस बार हमने सिर्फ मम्मी पापा की नहीं अपनी भी डाल दी है, बिकॉज अब ये 30 साल से ऊपर हो गए हैं, सॉरी अंशु और मम्मी की तो एक्स्ट्रा 32 से निकली हुई है, सी या my favorite one, and you plan change so we get there, thank you yaar, nahi abhi neend mein hai chhod na, to sute ke subah hum neend mein honge, but yaar please mat kar, to honga nahi bhai, to honge but main sachi bol raha hu subah dete hain। Next morning. अच्छा यार मम्मी कब से बोल रही है, चल छोड़ दे मुझे, मुझे तो पापा छोड़ेंगे, तो छोड़ रहा है पापा, मम्मी पापा को यार ये फेस हो गया। आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और मैं जा रही हूँ गुड़गांव, बिकॉज कल ऑफिस में सेलिब्रेशन है, नहीं तो मैं रुकती, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे को सुबह सुबह भिंडी पैक करके दी है, मेरी फेवरेट भिंडी, हाँ सीजन की पहली भिंडी खाऊंगी आज, सीजन की पहली भिंडी खिलाई हमने, पहली भिंडी लाई सीजन के अपने आप में, रोली मैं रोली आज भाई जाना है नहीं जाना पापा छोड़ देंगे तेरे को, पापा लेट से नहीं जाएंगे, नहीं 8:30 बजे जाते हैं, पापा को ऑफिस कितने बजे जाना होता है, पौने नौ तेरे को छोड़ के सीधा ऑफिस निकल जाएंगे, ठीक है मुझे तो भी नींद आ रही है, मैं तो सो ही जाऊंगी बच्चे से मिल के आती हूँ मैं।
बैग मेरे पैक है। एक लड़की फोन चला रही है सुबह सुबह। बाय मरी। तुम दोनों उठते ही फोन है मोक्ष, अभी तक उठा नहीं। टाटा बाय बाय मोक्षी बाय। मुझसे झूठ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लिटरली वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं। अबॉट अबॉट अबॉट। एक चीज और बताऊं, मैं नहीं जा रही। तेल लड़का डालता जब Very good. Congratulations. अब मम्मी एक चीज बताऊं, गिफ्ट दो। मैं नहीं जा रही। नहीं मेरे को पता था। हाँ मुझे पता था, मेरे को ये भी पता था कि जब सो गया तब ये बोलोगे। हम मैं सुबह सुबह उठा भी तभी नहीं रही थी। मैंने कहा इसका सरप्राइज बहुत तकड़े होता है। पापा मैंने जाना ही नहीं था आज। गुड नहीं, होली के बाद नहीं, मैं संडे तक निकलूंगी। मेरे बच्चे खूब तरक्की करें और खूब बड़े बड़े अफसर बन गए और खूब तरक्की करें, खूब बड़े। अब ये नाश्ता यहाँ मम्मी आपको गिफ्ट। ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ज्यादा तकड़े सब प्रेशर। ओ माय गॉड, थैंक यू। मैं आपका ब्रेसलेट। जब तक मैं रह सकती थी बिना फोन करे तुम्हारे। भाई मुझे मम्मी का फोन नहीं आया अभी तक। मेरे को पता था ये सरप्राइज कुछ प्लान कर रहे। मैंने बोला था ना आपको कि ये भी हो सकता है कि गुड़गांव ना जाए, कि हमारे लिए कुछ सरप्राइज हो रहा है। देखना मम्मी यही बोलेगी, मुझे तो पता था। तुम्हारे को लगता है कि 4 बजे तुम गए और मैं 9 बजे तक तुम्हारे को फोन ना करूं? लगता है कि हमारी माँ इतना सबर... नहीं, उसके बाद आपने बोला, फिर पापा ने कहा मुझे तुम सबके ना 10-15 मिनट चाहिए, इधर आ जाओ सबके साथ। मैंने कहा इन चीज अब तो लगी हमारी। फिर मैं बोल रही थी, मैंने बोला तेरे पापा को, मैंने कहा ये ना कल हमारी एनिवर्सरी है, मैंने कहा कुछ ये प्लान कर रहे हैं इतने, मैंने कहा बाजार में अटकने वाले थे 4 बजे के गए हुए, और कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अब जब रुक ही गए हैं तो पहले मम्मी की सुबह सुबह भिंडी और तो मैं जरूर खाऊंगी, बिकॉज भिंडी इज माय फेवरेट। टिफनी पैक जो अपना किया था उसको अनपैक करते हैं, रोटी खाते हैं एंड खाते हैं। मस्त मम्मी मस्त। बताऊं जोजो ना? हाँ। बाहर चल गया, पता है कैसे चिक गया? कैसे गया? किसने छोड़ा था वैसे? इसने ना छोड़ा था, रह गया गेट खुला छोड़ा। अब यही जाएगी जोजो के, थोड़ा सा थोड़ा जा, तू ही जाएगी जोजो के। जोजो को बाहर किसकी वजह से गया गेट से बाहर? दीदी जा। दीदी नहीं, मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा। क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग? दिखाओ ये क्या कर रहे हैं। देखो कोई मां को ये चल रहा है शिवरात्रि का काम के लिए, और इस पे लिखा जा रहा है जय श्री राम। जय नहीं, इधर रख दो। जय मन में है अंशु, जय वीरू सब मन में है मेरे। तो शाम हो गई है, पापा आ गए हैं, बाहर निकलती हूँ जरा थोड़ा, फिर बात करती हूँ। तो केक मैंने मंगवा लिया है, मोक्षित को बुला के लाती हूँ, भाभी भैया सबको बुला के लाती हूँ। पर मुझे पता है मैंने पक्का देख लिया होगा, जैसे मैंने फ्रिज में रखा ना उसके बाद वो आ गई थी। मोक्षु कहाँ है? हैरी का फोन आ रहा है, आ जाओ, उठ जाओ भाभी, उठ जाओ। गेट अप। कहाँ? इधर अंदर। भाई जी भी है ना? हेलो गाइस, चलो गाइस, चलो चलो चलो, उठो 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 उठो। नमस्ते नाना, ठीक भी? ठीक भी नाना? चलो 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 चलो। क्या करेगा? नहीं करेगा विश, नहीं करेगा दादू, तेरे को केक नहीं मिलेगा। कैसे तुझे केक नहीं मिलेगा तब तक?
बोलेगा ना गुड बॉय। चलो चलो विश कर नहीं मिलेगा केक इधर इधर से कौन है दादू दादी दादी तो ये है इधर मेरे को डब्बे भी बंद कर दिया दादू दादी है दो दो मेरे को डब्बे भी बंद कर दिया दो आप दादू और दादी बोक्सु जादू ले बुला के ला नहीं पर ये दूल्हे को बुलाने देखा था फ्रिज में ये हंसी बहुत कुछ बोल रही है मोक्षित को नहीं मिलेगा ना नहीं इसको मिलेगा इसने इसको नहीं इसने क्लैपिंग की नहीं जब व्हाइट कलर की चॉकलेट अच्छा विश क्या था दादी को पोज मार इधर दादी को लेकर कैमरा में